नमस्कार, मैं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एईजेड न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया किसान सभा के जिला अध्यक्ष श्री विनय सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे कि किसानों की समस्याएं क्या हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं उनका कैसे निराकरण हो रहा है। समय समय पर किसानों को लेकर के मुद्दा उठाते रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, कैसा सहयोग मिल रहा है, सारी चीजों पर आज बात करते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि बाराबंकी के किसान सभा से जिला अध्यक्ष हैं आप, सबसे पहले किसानों की समस्याएं क्या रहती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसान का नाम आता है तो लोग बिल्कुल उसे एक गांव के हिसाब से देखते हैं, जबकि किसान एक हाड़ मास का सिर्फ आदमी नहीं, मेरे लिए किसान ही भगवान। किसानों के जो असली समस्याएं हैं वह है फसलों का वाजिब मूल्य। किसानों के जब फसलों का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है तो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने आती है। हम या हमारी ऑल इंडिया किसान सभा इस न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे को लेकर के अधिकतर धरना प्रदर्शन आंदोलन करती रही है। इसके बाद अब आजकल तो एक ताजा मामला जो है आवारा पशुओं सांडों को लेकर के है। किसान फसल बोता है और उसकी फसलों को आवारा सांड या छुट्टा जानवर चढ़ जाते हैं। ये तो बिल्कुल वही हुआ जैसे आपने प्रेमचंद की एक किताब की कहानी पढ़ी होगी, पूस की रात या हलकुज वाली, कि सारी दिन सारे रात मेहनत करो, जरा सी देर झपक लग जाती है और सांड या आवारा पशु फसल चल जाते हैं और उनके किसानों की सालों साल की फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन इस पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। प्रत्येक गांव में आप चले जाइए, वहां आपको छुट्टा जानवर खेतों में चढ़ते हुए जरूर मिल जाएंगे। आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए, आपको सड़क पर भी छुट्टा जानवरों का झुंड चलता हुआ मिल जाता है। तो इस समय का जो ज्वलंत समस्या है एक आवारा सांडों की है, जिस पर हमने बताया आपको कि बहुत बार आंदोलन किया गया। तो उसी समस्या ये फसलों के समर्थन मूल्य की है, जो कि आज पूरे देश में इसी की लड़ाई चल रही है। जहां तक हमारा मानना है कि एक बार आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 10 दिन की भूख हड़ताल पर थे, वहां बीच में अयोध्या प्रकरण हो जाने के बाद आपने अपना धरना अपना भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी, उसमें क्या मुद्दे थे और किस हिसाब से सरकार का सहयोग मिला था आपको? देखिए, उसमें हमारी सबसे मूल एक ही था कि सांडों को पकड़कर तत्काल बंद करवाया जाए और जिन किसानों के फसलों को सांड या आवारा पशु चर लेते हैं उनकी क्षतिपूर्ति किसानों को प्रति खेत के हिसाब से फसल की पूरी पूरी भरपाई की जाए। इसी को लेकर के हमने गांधी भवन में 10 दिनों के क्रमिक भूख हड़ताल की, लेकिन बीच में उसको रोकना पड़ा। इसके बाद पुनः हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मेरा जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक कि इस पर कोई ना कोई हल नहीं निकलेगा। देखा जाए तो समय समय पर किसानों की तरफ से मांगे उठती रहती हैं, हालांकि अभी भी कुछ किसान संगठन दिल्ली में जमे हुए हैं, उनके प्रति आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को किसानों के प्रति नरम रवैया बरतते हुए उनकी मांगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि किसान ही इस देश के रीढ़ की हड्डी है। एक बहुत पहले आपने जाना भी होगा, सभी लोग जानते हैं कि एन इंडियन फार्मर इज ए बैकबोन ऑफ आवर कंट्री बट ही लिव्स इन पुअर्टी ऑलवेज एंड ही ऑलवेज सराउंडेड बाय फाइनेंशियल क्राइसिस। हमेशा वो आर्थिक संकट में से जूझता रहता है, लेकिन
कुछ दिन पहले किसान कर्ज लेता था, किसान कर्ज में जीता था और कर्ज में मरता था, लेकिन इस कुछ वर्षों से सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान आत्महत्या करता है। पहले किसान कर्ज में जीता था, मरता था, लेकिन आज किसान आत्महत्या करता है। मेरा किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि वह किसान संघर्षों को तेज करके अपने फसलों के वाजिब दाम के लिए संघर्ष करें और हमेशा हमेशा किसानों के लिए एक नई दिशा बनाए। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा लॉकडाउन रहा है। 2 साल से कहीं ओलावृष्टि हो जा रही है, किसान की फसल बर्बाद हो जा रही है, कहीं पर के जो छुट्टा जानवर है वो फसल को बर्बाद कर देते हैं, और सबसे ज़्यादा ये होता है कि फसल अगर किसान बचा भी ले जाता है तो उसको वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। इस समय अगर 2 सालों से लॉकडाउन है, इसके पहले का अगर किसान ने कर्ज ले रखा है तो उसके माध्यम से आपका मुद्दा उठाया जाना चाहिए कि किसानों का कर्ज माफ होगा या नहीं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया किसान सभा की मांग है कि 60 वर्ष के ऊपर सभी किसानों, मजदूरों, महिला पुरुषों को 10,000 रुपया मासिक पेंशन दी जाए, किसानों के सभी कर्ज माफ किए जाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। जैसा कि कहा जा रहा है कि हमने लागू कर दी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, लेकिन मेरा मानना है और मेरी मांग है कि C2+ के फार्मूले को लागू करते हुए फसलों का 1.5 गुना दाम दिया जाए। अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से आप किसानों के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे और सरकार से किन मांगों पर विचार विमर्श करने की बात करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने आपसे कहा कि किसान ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान अन्नदाता कहा जाता है और किसान ही फसल उत्पादन करता है। चाहे जितना जो भी हो, लोगों को अनाज, फल, सब्जी सब किसान ही पैदा करके प्रोवाइड करता है। तो किसानों की हर एक समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सरकार को हल करनी चाहिए। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि वह अपने समस्याओं के प्रति संघर्ष करने के लिए एकजुटता बनाए रखें और आंदोलनरत किसानों से मेरी एक और भी अपील है कि सरकार के या संविधान के प्रति अपनी मांगों को रखते हुए संवैधानिक अधिकारों से लड़ाई लड़ें। ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया किसान सभा के बाराबंकी के जिलाध्यक्ष विनय कुमार सिंह, जिनसे हमने किसानों के मुद्दे पर काफी बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए एज न्यूज के साथ।